दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी नई राह क्रम मार्गी नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वणकम जय श्री कृष्णा जय स्वामीनारायण जय सच्चिदानंद। फ्रेंड्स दादा भगवान परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। मोह माया अटैचमेंट क्या है ये? क्या सारी दुनिया इसी से बंधी है? क्या यही मोह का अटैचमेंट का बंधन हमें सारी जिंदगी भटकाता रहता है? क्या है ये मोह? बचपन में खिलौने का, टीनेज में हाईटेक फोन्स या गैजेट का, जवानी में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स का, शादी के बाद तो मोह या एक्सेसिव अटैचमेंट की परंपरा ही चालू हो जाती है। फिर मिडिल एज में बच्चों का मोह और ओल्ड एज में बच्चों के बच्चों का मोह। और किसी भी स्टेज पे आप सब कुछ पालो लेकिन सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं, हर बार नई दौड़। तो क्या कोई उपाय है उससे समझने का या फिर इस मोह माया या अटैचमेंट की चक्कर से बाहर निकलने का? चलिए सुनते हैं अपने अगले सेगमेंट में अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। निर्मल जय सचिदानंद, मेरी बच्ची अभी 11th 12th में है साइंस में, और मुझे ये जानना है कि मोह और फर्ज, उसमें मैं अपने आप कैसे डिफ्रेंशिएट करूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो मोह में जा रहा है या फ़र्ज़ है? क्या फ़र्ज़ मेरी है क्या मोह है? वो कैसे अपने आप पता चल सकता है हर दफ़े? आप अपने बच्चे के लिए जो भी कुछ करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसकी जो हर कोई डिमांड पूरी करते हैं, करो उसका, उसके लिए ना नहीं है, फर्ज से करो, मोह से मत करो। इसके बीच में डिमार्केशन किस तरह से आएगा कि अगर आप मोह से कुछ भी कर रहे हो तो उसकी असर क्या होगी आपसे, आपके अंदर, आपको आपकी बेटी से अंदर कुछ न कुछ भुगतने का आएगा। एक्सपेक्टेशन रहेगी, ऐसा आया एक्सपेक्टेशन रहेगा, सफरिंग रहेगी, फिर यहाँ तक कि आपकी एक्सपेक्टेशन उसने पूरी नहीं की तो आपको उतना ही उस पर द्वेष भी आ जाएगा, क्रोध भी आ जाएगा। तो यह सब अंदर होता है, जब तक तब तक देखना समझना कि यह अभी मोह का कुछ हिस्सा रहा है अंदर, प्योर फर्ज से नहीं हो रहा है, उसमें मोह भी मिश्रित हो गया है। वो तो होता ही है, लगता है। हाँ, तो अभी और कुछ नहीं करना है, लेकिन ये दोनों को डिमार्केट करते जाओ कि कितने भाग में मोह है और कितने भाग में फर्ज है। उसकी कोई भी बात से हम कि जरा भी इमोशनल हो गए, अंदर ऊपर नीचे हो गया, असर हो गई, तो समझना कि वो बहुत ही उसके साथ मोह से अटैच है। लेकिन वो कभी तो उसके बाद पता चलता है ना कि जो इफेक्ट होती है उसके बाद इफेक्ट आती है, बाद में पता चले या पहले चले, लेकिन यह असर है, इसको जानो समझो, और जब पता चले तब उसका एनालिसिस करो, पश्चाताप करो, प्रतिक्रमण करो और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करो। तो उसमें सच्चा प्रेम रहेगा, फर्ज से होगा, प्रेम से होगा। यह प्रेम से नहीं होता है, यह आसक्ति से होता है, मोह से होता है। क्या तो मोह से उसको भी नुकसान होता है और हमें भी नुकसान होता है, ऐसा होता है? दोनों को वैसा कैसे आप उसको भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे आप इमोशनल होंगे मोह से उतना वो भी होगी। आप जितने स्वस्थ रहोगे, समता में रहोगे, उसकी असर उसको भी होगी, वह भी उतनी ही समता में रहेगी। हमेशा बच्चे हमारा देखकर ही सीखते हैं। जब आपको लगता है कि हम बच्चे बिगड़ने लगे हैं तो आप बच्चों की ओर मत देखो, हमारा कहाँ बिगड़ रहा है उसकी तलाश करो, हम कितने इमोशनल हो रहे हैं, हम कितने बच्चों के प्रति ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, वो तलाश करो, राग द्वेष कितने हो रहे हैं, समता में नहीं रहते, वितराग नहीं हो पाते हैं, इसकी वजह से यह बिगड़ता है।
और उसकी असर बच्चों को गिरती है, उनको नहीं, वो अंदर अंदर ऐसा कोई भाव नहीं रहता है, लेकिन ये जो होता है उसकी असर तो होती है ना। लेबोरेटरी में आप पानी में सोडियम डाले तो आपकी इच्छा नहीं है कि बहुत बड़ी फ्लेम हो जाए, बड़ा धमाका हो जाए, आग लग जाए, ऐसे आपकी तो इच्छा नहीं है, नहीं, आपको पता भी नहीं है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, लेकिन आपने अनजाने में भी पानी में सोडियम डाल दिया तो क्या वह उसकी असर नहीं बताएगी? ब्लास्ट होगा, बराबर बताएगी, बहुत बड़ी आग जलक बताई देगी। तो उसी तरह से जितने हम इमोशनल होते हैं उसकी असर बच्चों पे आती ही है, आप उछलते हैं उतने वो भी उछलती है, आपका अहंकार जितना बढ़ता है तो उतना उसका भी बढ़ता है। अच्छा, समझो ये अहंकार तो समझो कि बढ़ता नहीं है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि फाइल नंबर वन को लगता है कि अभी इसको कुछ मेरे समय की ज़रूरत है, अभी तो एक साल में समय मेरा इसमें दूँ ज़्यादा, और समझो कि मुझे अब तो वाणी पढ़नी है या दूसरा कुछ दादा की वाणी पढ़नी है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि बाद में पढ़ूंगा या तो मैं प्रतिक्रमण ज़्यादा करूँगा, शक्ति ज़्यादा मांगूँगा, और तो वो क्या मोह में जाता है या क्या करना चाहिए मुझे? सभी बैलेंस करना चाहिए, हर चीज़ थोड़ी 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 बैलेंस करना चाहिए, नॉर्मलिटी में रहना, नॉर्मलिटी में रहना फर्ज है, नो डाउट फर्ज रखो, लेकिन इमोशनल होए बगैर रह करे तो वो फर्ज में जाता है, इमोशनल होके करोगे तो मोह में जाता है, अंदर कुछ भी भुगतने को आता है ना, सफरिंग है वही उसकी इंडिकेशन है, हाँ वो मोह की वजह से आता है, नहीं तो नहीं आएगा, आनंद रहेगा अंदर, आनंद रहेगा, आनंद चला गया तो समझना कि यह गड़बड़ हो गई। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। किड्स बच्चे, ये सुनते ही कौन सी बात हमारे मन में आती है? चिल्लाना? जी हाँ दोस्तों, तो इस व्यवहार का कारण क्या हो सकता है? एक्सेसिव एक्सपेक्टेशंस। क्या हम अपने बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं? तो ये माता पिता के एक्सपेक्टेशन का हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ता होगा? चलिए सुनते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। निरुमा, अगर बच्चे के पास से अपन एक्सपेक्ट करें कि ट्यूशन्स अगर दे रहे हैं और मेरिट्स नहीं आता है तो वो मोह में जाता है कि फ़र्ज में जाता है? एक्सपेक्ट नहीं करना, उसको फ़र्ज के हिसाब से बोलना है, ऊपर से बोलना, अंदर से नहीं, बोलने के समय बोलो, प्रेम से बोलो, समझा के बोलो, और अंदर फिर अंदर क्या बटन दबाना कि भाई हम उसको जो बता रहे कि भाई 90% लाओ 80% लाओ, लेकिन हमारे कहने के मुताबिक वो लाए या न भी लाए तो भी हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारी क्षमता उतनी ही रहनी चाहिए दोनों में, 50% लाई या 90% लाए, भीतर में क्षमता सरीक ही रहनी चाहिए, बाहर आप उसको एनकरेज करो, खुश करो, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, या अंदर बहुत कम आ गए तो डिप्रेस हुए तो उसको डिस्करेज मत होने दो, एनकरेज करोगे तो फिर से मेहनत करो, ज़्यादा और लाओ, गए अभी नहीं आए तो भूल जाओ, लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम ज़्यादा जागृत रहो, इस तरह से बैलेंस रखना चाहिए। अगर आप इमोशनल हो जाते हैं कि अरे इतनी मेहनत की, इतना सारा कहा उसको, कितना पीछे पड़े उसको, क्या नहीं किया, जो मांगे सो ला के दिया, उसको अच्छे अच्छे महंगे महंगे ट्यूशन रखे तो भी कुछ नहीं किया, एग्जैक्टली वही होता है, ये जो होता है यहाँ फर्ज नहीं है, यह मोह है, मोह का परिणाम है, फर्ज का परिणाम ऐसा नहीं होता है, फर्ज का परिणाम है तो वह स्वस्थ रहता है, क्षमता में रहता है, रिजल्ट खराब आ गया ठीक है, करेक्ट हुआ सो न्याय, अभी देखो बच्चे की क्या हालत है, डिप्रेस्ड है क्या है, तो उसको उस हिसाब से टैकल करो प्रेम से, तभी वहाँ गिनती चालू हो जाती है कि इतना वेस्ट हुआ मनी और सामने रिजल्ट नहीं आया, समझो एक साल वेट किया, सेकेंड साल वेट किया और इट इज़ डिसाइडेड, ऐसा लगता है कि एवरेज स्टूडेंट है, तो फिर तो भी ट्यूशन रखना कि नहीं, वो फ़र्ज में जाएगा कि वापस मोह में जाएगा? नहीं, अपन अपनी फ़र्ज बजाए जाओ,
जो भी रिजल्ट आए, एवरेज स्टूडेंट रहा तो एवरेज ही मार्क्स आएंगे. ये हम माता पिता एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं क्या कि अपने बेटा क्या है, ब्रिलियंट है, एवरेज है या बिलो एवरेज है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट है. और जज नहीं करते हैं, वो बेचारा ऑर्डिनरी रहा तो एक्सपेक्ट करते कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट के जैसे रिजल्ट लाए, इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या इंसान हो. कहाँ से होगा? बैल को आप घोड़े के तरी दौड़ाना चाहेंगे तो कैसा दौड़ेगा वो डर्बी रेस में? प्रॉब्लम कहाँ होता है निरुमा, की माता को एक्सपेक्टेशन वो ब्रिलियंस की होती है, उसको वहाँ सफरिंग आता है, और पिता को वो जो लोभ है ना वो हैरान करता है, वो गिनती करता रहता है कि इतना पैसा गया और सामने रिजल्ट नहीं आया. क्योंकि जो आदमी रहता है उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए. वहाँ सफरिंग आती है. हाँ, तो फिर देखो यह लोभ से हुआ कि मोह से हुआ कि फर्ज से हुआ, अंदर ऑब्जर्वेशन में रहो. फर्ज से तो नहीं होता है वो पक्का मालूम है, दूसरा दो चीज देखा देखना पड़ेगा, लेकिन तो इसमें से निकल जाओ, मोह से और लोभ से बाहर आओ और तो हमारा फर्ज अदा करो अच्छी तरह से, प्रेम से होगा, इमोशनल हुए बगैर. आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह. निरुमा, माँ बाप बच्चों के लिए इतना कुछ सोचते, इतनी कुछ तकलीफ उठाते हैं, पढ़ाने के खूब सब फैसिलिटी देते, पैसा लेते, और फिर भी बच्चे आजकल माँ बाप का क्यों ज़्यादा नहीं सोते? ये क्या फर्क पड़ रहा है आजकल? पहले बच्चे सोचते थे माँ बाप के लिए सेवा करने का, उनकी बात मानते थे, आजकल ज़्यादा बात मानते नहीं है. उसमें माँ बाप गलती कर रहे हैं या बच्चे गलती कर रहे हैं या वातावरण का कुछ असर है? ज़्यादा करके माता पिता की गलती है और फिर थोड़ी बहुत गलती बच्चों की होती है. माता पिता इन बच्चों की साइकोलॉजी नहीं समझ पाते हैं, और बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं, इतने हाइपर, इतने फास्ट रिवॉल्यूशन वाले हाईफाई जमाने के हैं, तो तुरंत ही अपने पेरेंट्स की साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं और फिर अपने फायदे के लिए उनके पेरेंट्स की साइकोलॉजी की स्टडी करके करते 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 अपना काम निकालते हैं, उनके पास से अपना स्वार्थ निकालते हैं. माता पिता को अपने बच्चों के लिए जितना मोह रहता है, आजकल माता पिता को बच्चों के प्रति बहुत मोह बढ़ रहा है, क्योंकि जॉइंट फैमिली टूट रही है. जो मोह था सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, तो ये जॉइंट फैमिली टूटने से एक स्मॉल फैमिली हो गई, सिंगल फैमिली हो गई, तो माता पिता का सारा मोह हम दो हमारे दो में ही सीमित हो गई. पहले तो ऐसा नहीं था, पांच भाई रहते थे, भाइयों में इतने अटैचमेंट रहता था, फिर अपने बच्चे भाइयों के बच्चे और अपने बच्चे में कोई फ़र्क नहीं लगता था, तो अपने तीन बच्चे भाइयों के तीन बच्चे पाँच त्री पंद्रह बच्चों के लिए हर सरीखा लगता था. यहाँ तो सिर्फ दो में ही आता था और वहाँ पंद्रह में जाता था, तो उनके दिमाग में ये जो थोड़ी ब्रॉडनेस रहती थी, नोबिलिटी रहती थी, नहीं मुझे सर के लिए सरीखा करना है, सबका सही है, मेरे ही तो है, तो इसकी वजह से उनका मुँह सबके लिए थोड़ा थोड़ा शेयर होता था, तो कम इनके लिए जाता था. अभी तो पूरा 100% इधर ही जाता है, तो उसकी वजह से आपका ही बिगड़ता है, बच्चों का तो अनेक गुना बिगड़ता है. आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह. दोस्तों, अपने प्यारे आत्मज्ञानी ने हमें एक्सीलेंट टिप्स दी अटैचमेंट यानी की मोह के बारे में, तो आज का टॉप ऑफ द लेसन यही रहेगा, अपनी फर्ज को समझे और मोह या अटैचमेंट को भी समझे. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें hindi.dadabhagwan.org पर. इसके ऊपर आप बुक्स, डीवीडी, ऑडियो बुक फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कॉल करें 1-877-505-DADA extension 23. आपके विचार या सुझाव आप लिख भेज सकते हैं dadaonradio@us.dadabhagwan.org पर, या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी रेडियो स्टेशन पर. तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट. नई राह हो दादारी, अब प्रत्यक्ष